अपन ने बात की थी कि आपका जो आरएच कारक है, आरएच कारक, इसकी वजह से एक रोग था, कौन सा? एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फेटालिस। अरे था कि नहीं? एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस है, इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसी ब्लास्ट होती है। आरबीसी क्या होती है? ब्लास्ट होती है, मतलब आरबीसी फट जाती है। आरबीसी फट जाती है और आरबीसी के फटने की वजह से फिर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसका समाधान क्या है? क्या इंजेक्शन? इंजेक्शन जो होगा उसे आप बोल सकते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी। क्या बोल सकते हैं? एंटी आरएच एंटीबॉडी। ये इंजेक्शन लगाया जाएगा और इस इंजेक्शन के लिए अपन एक इसको एक और नाम दे सकते हैं, रहोगेम। क्या नाम दे सकते हैं? रोगेम। ये रोगेम क्या है? तो ये एक इंजेक्शन है। क्या है? एक इंजेक्शन है जो किस में दिया जाता है? आरएच रोग के उपचार में दिया जाता है। यदि ये इंजेक्शन लगा लिया, तो क्या होगा? मतलब आगामी जो बच्चे हैं, जैसे आपने इसमें पढ़ा था कि जो पहला बच्चा होता है वो तो सामान्य होता है, पहला बच्चा तो क्या होता है? सामान्य होता है, लेकिन पहले के बाद जो बच्चे होते हैं वो मृत पैदा होते हैं। तो उन बच्चों को बचाने के लिए एंटी आरएच एंटीबॉडी इस्तेमाल की जाती है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? IgG0। IgG वो एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। जैसे अपने एंटीबॉडी देखें तो एंटीबॉडी पांच है, उनमें से एक एंटीबॉडी होती है कौन सी? IgG। और ये IgG जो है ये क्या कर सकती है? ये प्लेसेंटा को पार कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा को पार करे या अपन क्या बोल दें? क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा को पार करने वाली एंटीबॉडी, या आपसे कहे प्रतिरक्षी कौन सी है? तो आप कहेंगे IgG। यही नहीं लिखाया था ना, बाकी तो सारा लिखा दिया था आपको, आरएच कारक। तो लिखो इसको, क्या लिखा था आपने? एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग होता है जिसके कारण भ्रूण की आरबीसी तेजी से नष्ट हो जाते हैं। देखो, इस रोग के उपचार हेतु, इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के, इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 से 48, घंटों के भीतर एंटी आरएच एंटीबॉडी, या रहोगेम रहो गेम, ब्रैकेट में लिख दो IgG0 का इंजेक्शन लगवाया जाता है, का
का इंजेक्शन लगाया जाता है। एंटी आरएच एंटीबॉडी या रोगेम, ब्रैकेट में क्या लिखा, आईजी जी जीरो का इंजेक्शन लगवाया जाता है। ठीक है, अब इसको अंडरलाइन कर लो और मेनली ये इस पे मार्किंग कर लो। क्या नाम है इंजेक्शन का? आर एच ओ जी ए एम, रोग याद रह जाएगा। इसको बोलते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडी को, जिसका यूज करते हैं अपन आर एच कारक से जो रोग हो रहा है, कौन सा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्लियर? उसके बाद में नोट लगा के लिखो आईजीजी, इस तरीके से लिखना रे, आईजीजी इकलौती वो प्रतिरक्षी होती है, आईजीजी इकलौती वो प्रतिरक्षी होती है जो प्लेसेंटा को पार, ब्रैकेट में लिख दो क्रॉस, जो प्लेसेंटा को पार, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्रॉस कर सकती है। आईजीजी इकलौती ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है, या आप कह सकते हैं क्रॉस कर सकती है। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी, है ना। टोटल एंटीबॉडी होती है बच्चों पांच, कितनी होती है, पांच, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, है ना, आईजीएम, और एक कौन सी है, आईजीजी, जिसमें एम जो है वो पेंटामेरिक होती है। ठीक है, तो वो प्रतिरक्षी का जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां अपन बातें करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखें कि आईजीजी इकलौती वो है जो प्लेसेंटा को क्या कर सकती है, पार कर सकती है। प्लेसेंटा जानते हो ना सब, प्लेसेंटा वो है जिससे बच्चा जो है वो माता के गर्भाशय से जुड़ता है, और कौन सी परत से, तो एंडोमेट्रियम से, किससे जुड़ता है, एंडोमेट्रियम भित्ति, और इसी प्लेसेंटा से, ये क्या है, प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा से बच्चा क्या करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है और पोषण की प्राप्ति करता है, तो सबको पता है। और प्लेसेंटा के टूटने से एक हार्मोन भी स्रावित होता है, कौन सा, रिलैक्सिन, कौन सा हार्मोन है, रिलैक्सिन। ठीक है ना, जिन बच्चों ने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, ठीक है ना, या एंडोक्राइन की पहले क्लास लगाई है यहाँ, तो उन्होंने पढ़ा है कौन सा हार्मोन है, रिलैक्सिन। ठीक है, और रिलैक्सिन का जो श्रावण है वो कहाँ से होगा, प्लेसेंटा के टूटने से होगा। तो नोट सेकंड डालो, देखो प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण, प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण माता के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भित्ति से जुड़ता है। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण माता के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, माता के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भित्ति से जुड़ता है, माता के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भित्ति से जुड़ता है। एंडोमेट्रियम गर्भाशय की या यूट्रस की सबसे इंटरनल लेयर होती है, सबसे अंदर की परत होती है, कौन सी, एंडोमेट्रियम। ठीक है ना, और इसी एंडोमेट्रियम से गर्भरोपण हो रहा है, और इसी एंडोमेट्रियम से महिला में पीरियड स्टार्ट होता है, मासिक चक्कर शुरू होता है। जब मासिक चक्कर होगा, पीरियड स्टार्ट होगा, तो ये एंडोमेट्रियम टूटकर ब्लड के साथ क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी।
तो पीरियड या मासिक चक्कर या मेंस्युरेशन साइकिल वो भी कहां से स्टार्ट होता है? एंडोमेट्रियम में भित्ति से। और गर्भरोपण भी कहां से होता है? एंडोमेट्रियम में भित्ति से, ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा यहाँ जुड़ेगा तो उस प्लेसेंटा से बच्चा शोषण, उत्सर्जन और पोषण की प्राप्ति करेगा, ठीक है। तो लाइन चेंज करके लिखो, प्लेसेंटा से भ्रूण शोषण, उत्सर्जन व पोषण की प्राप्ति करता है। शोषण, उत्सर्जन व पोषण, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड न्यूट्रिशन। की प्राप्ति करता है। अब लिखो नोट थर्ड, नोट ए थर्ड, और उसमें लिखो महिलाओं में गर्भरोपण व मासिक चक्कर का आरंभन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भित्ति से होता है। महिलाओं में गर्भरोपण व मासिक चक्कर का आरंभन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भित्ति से होता है। यानी गर्भरोपण होगा तो इसका मतलब प्लेसेंटा किससे जुड़ेगा? एंडोमेट्रियम से। फिर ये एंडोमेट्रियम स्टेबल हो जाएगा, फिर ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके यदि ये टूट गया तो जो भ्रूण है वो सर्विक्स से होता हुआ योनि से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अरे बास ने, तो उस समय ये एंडोमेट्रियम टूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो एंडोमेट्रियम से ही तो गर्भरोपण हो रहा है, गर्भ ठहरता है, ठीक है। और इसी एंडोमेट्रियम से महिला के अंदर मेंस्युरेशन साइकिल स्टार्ट होता है, मासिक चक्र प्रारंभ होता है। आगे बात समझे, तो दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। इस एंडोमेट्रियम को यदि मुझे स्टेबल करवाना हो, क्या करवाना हो? स्टेबल करवाना हो, तो यहां पर एक हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रोन। कौन सा? प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन महिला का जनन हार्मोन है, जो गर्भ रोपण करवाने में क्या होता है? सहायक होता है। महिलाओं में दो जनन हार्मोन होते हैं बच्चों, एक का नाम होता है एस्ट्रोजन, एक का नाम क्या होता है? एस्ट्रोजन, और दूसरे का नाम होता है प्रोजेस्ट्रोन। एक तो कौन सा है? एस्ट्रोजन, और दूसरा प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन की वजह से महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसकी वजह से आते हैं? एस्ट्रोजन। कि जैसे ही महिला की उम्र 12 से 13 साल होती है, 12 से 13 साल होती है, तो उसकी ओवेरी में, अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? श्रावण होता है, और उसमें मेंस्युरेशन साइकिल उस समय स्टार्ट हो चुका होता है, जिसे बोला जाता है रजो दर्शन। जब पहली बार महिला में मासिक चक्कर प्रारंभ होता है तो उसको कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं? रजो दर्शन, और इंग्लिश में कह देते हैं मीनार्क। क्या कह देते हैं? मीनार्क। अब जब रजो दर्शन हो गया, मतलब मेंस्युरेशन साइकिल हो गया, स्टार्ट हो गया। मेंस्युरेशन साइकिल स्टार्ट होने के बाद अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन दो हार्मोन बनते हैं। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। तो इन दोनों का जो सिक्रेशन है वो अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। इसलिए अंडाशय को अपन एंडोक्राइन ग्लैंड मानते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि मानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है जिनसे हार्मोन्स का श्रावण होता है, और यहाँ पर अंडाशय से कितने हार्मोन स्रावित होंगे? दो। कौन से दो? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। और ये तब स्रावित होंगे जब महिला में रजो दर्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मेंस्युरेशन साइकिल चालू हो जाएगा, और वो उम्र होती है कौन सी? 12 से 13 साल। जब अंडाशय से यह हार्मोन निकलेगा तो महिला के अंदर, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, है ना। जैसे उनकी आवाज पतली हो जाती है, वक्ष भाग बढ़ने लगता है, कमर से चौड़ाई बढ़ने लगती है,
जननांगों पर बाल आते हैं, ये सारे महिला के क्या है? द्वितीय के लैंगिक लक्षण। और वो द्वितीय के लैंगिक लक्षण किसकी वजह से आते हैं? एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं। यानी हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होता है कब? जब 12 से 13 साल एक फीमेल की क्या हो जाए, उम्र हो जाए, तब उसमें एस्ट्रोजन का क्या होता है? श्रावण होता है, जिसकी वजह से आएंगे द्वितीय के लैंगिक लक्षण। और ये जो प्रोजेस्ट्रोन है, ये गर्भ रोपण में क्या है? सहायक है। गर्भ रोपण में सहायक है। अब गर्भ रोपण में सहायक है, इसका मतलब ये एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता और महिला के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बंद कर देता है। कब? जब महिला प्रेग्नेंट हो जाए, है ना। महिला यदि प्रेग्नेंट हुई तो प्रोजेस्ट्रोन इस एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। इस वजह से प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद रहता है, मासिक चक्कर क्या रहता है? बंद रहता है। और वो बंद करता कौन है? प्रोजेस्ट्रोन। इसलिए इसे बोलेंगे गर्भ रोपण हार्मोन। और इसकी वजह से आएंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण। किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन को महिला का ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब उसकी बॉडी में चेंजेज आते हैं, है ना, तो उससे महिला में एक सुंदरता आती है, इसलिए इसे बोला जाता है क्या? ब्यूटी हार्मोन। तो महिला का ब्यूटी हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। और ये दोनों ही महिला के जनन हार्मोन है। क्या है ये? जनन हार्मोन है। और इनका श्रावण कहां से होता है? ओवेरी से, यानी अंडाशय से। बात समझ आई क्या? और तब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अंडाशय में दो फंक्शन होते हैं, एक तो अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, ठीक है, और वो बनाता है FSH और LH, यानी एक का निर्माण होता है कहां पर? अंडाशय में। और अंडाणुओं का संचय भी कहां होता है? अंडाशय में। और दो हार्मोन अंडाशय में स्रावित होते हैं, कौन से दो? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जन्म के बाद, जब महिला कितने साल की हो जाए? 12 से 13 साल की, और उसमें मासिक चक्कर क्या हो जाए? प्रारंभ हो जाए। उसके बाद जो है ये दोनों स्रावित होंगे। इसलिए साइंस कहती है कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में कोई भी महिला मां बन सकती है, यदि वो सेक्सुअल इंट्रेक्शन करती है, सेक्सुअल कोर्स करती है, तो उस केस में वो महिला क्या बन सकती है? मां बन सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसका सिक्रेशन चालू है? प्रोजेस्टेरोन का, है ना। तो 12 से 13, जैसे पहले जो है वो छोटी उम्र में लड़कियों की शादी होती थी, है ना, और उनके छोटी उम्र में ही बच्चे हो जाते थे। उसका कारण यही होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रावण कब से चालू हो जाता है? 12 से 13 वर्ष की उम्र में चालू हो जाता है, ठीक है ना। और उस समय जो है वो यदि महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उसमें गर्भ ठहरे सकता है, क्योंकि वहां पर हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन। समझ आई बात? तो लिखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन 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 हार्मोन गर्भ रोपण करवाने में सहायक हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भ रोपण करवाने में सहायक हार्मोन होता है। तथा ये एंडोमेट्रियम भित्ति को प्रेगनेंसी के दौरान स्टेबल कर देता है। एंडोमेट्रियम भित्ति को प्रेगनेंसी के दौरान स्टेबल कर देता है, जिसके कारण महिला में प्रेगनेंसी के दौरान मासिक चक्कर बंद रहता है, जिसके कारण महिला में प्रेगनेंसी के दौरान मासिक चक्कर
बंद रहता है। अरे अति बात समझ आ गई कि यहाँ पर अपन ने कई सारी चीजें बीच में जो नाम आ गए, इसलिए अपन ने उसको थोड़ा सा समझने का क्या किया है प्रयास, कि आपको थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि ये सारा टॉपिक घूम गया किधर, जनन की ओर। भाई जब अपन जनन पढ़ते हैं है ना, तब आपको पढ़ाया जाता है अंडाशय। क्या पढ़ाया जाता है? अंडाशय, ठीक है ना। महिला का मुख्य जनन अंग क्या है? अंडाशय, है ना। और महिला के अंदर एक जोड़ी संख्या में अंडाशय पाए जाते हैं, जहां अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का संचय होता है और दो हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कहां पर? अंडाशय में। समझ आई बात? अब जो अपन ने रक्त प्रीसंचरण तंत्र चालू किया था, तो वहां पर याद करो, वहां अपन ने उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था, किया था या नहीं? एक था रक्त, दूसरा था हृदय और तीसरी थी रक्त वाहिनिया यानी ब्लड वेसल्स। अरे तीन पार्ट में क्या किया था? उसे डिवाइड किया था। अब उसमें से एक पार्ट आप क्या कर चुके हैं? कंप्लीट, है ना। अब दूसरा पार्ट आपका स्टार्ट होगा और वो है हृदय। तो हेडिंग डाल लीजिए हृदय यानी कि हार्ट। देखो अपन बात करें हृदय की, तो मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य का हृदय वो है मायोजेनिक। कैसा है? मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब है कि ये पेशियों का बना है। किसका बना है? पेशियों का बना है। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? कि ये किसका बना है? पेशियों का। जैसे आप जानते हैं कि पेशियों का अध्ययन उसे आप कहते हैं मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। और इस मायोलॉजी में जो ये मायो है, इसका मतलब होता है पेशी। इसका मतलब क्या होता है? पेशी। तो पेशी का जो अध्ययन होता है उसे बोला जाता है मायोलेज, ठीक है ना। आप में बहुत सारी मांसपेशियां हैं, अरे हैं या नहीं, ठीक है। और उन पेशियों से क्या बनेगा? आपका हृदय बनेगा। इसलिए इस हृदय को क्या माना जाता है? मायोजेनिक। यदि अपन हृदय की पेशियां देखें तो हृदय में कार्डियक पेशियां हैं। कौन सी पेशियां हैं? कार्डियक पेशियां हैं। कौन सी पेशी होती है? कार्डियक पेशी होती है, ठीक है। अपने हृदय में कैसी पेशियां हैं? कार्डियक पेशियां हैं। और कार्डियक पेशियां जो होती हैं वो अनैच्छिक गति करती हैं, अनैच्छिक मोमेंट करवाती हैं। यानी आपके हृदय में जो संकुचन होता है वो इनवोलेंट्री होता है, आपके कंट्रोल नहीं रहता। आप ये चाहें कि आपकी इच्छा अनुसार हृदय काम करे, तो आपकी इच्छा अनुसार हृदय काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर क्या पाई जाती हैं? कार्डियक पेशियां। और पेशियों में जब संकुचन होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है? मोमेंट होता है। भाई रक्त जो हृदय है उसका जब आप आगे काम देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हृदय का काम है रक्त को पंप करना। एक चीज बच्चों दिमाग में बैठाओ कि हृदय में कभी भी रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है, है ना। आप ये सोचें कि हृदय जो है वो रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। लेकिन हृदय कभी भी रक्त को शुद्ध नहीं करता। हृदय सिर्फ रक्त को पंप करता है। क्या करता है?
करता है, इसलिए इसे पंपिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपिंग सिस्टम। हृदय को आप बोल सकते हैं क्या? पंपिंग सिस्टम, जिसका काम है रक्त को पंप करना, न कि रक्त का प्यूरिफिकेशन करना। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि बाएं नीले से शरीर को शुद्ध रक्त की क्या होती है? आपूर्ति। जबकि हृदय में पहले जाता है अशुद्ध रक्त, फिर हृदय से आता है शुद्ध रक्त। अब वो हृदय से जो शुद्ध रक्त आया है, वो शुद्ध होके आता है फेफड़ों से। कहाँ से? फेफड़ों से। क्योंकि आप अंगों से जो हृदय में रक्त भेजेंगे, हृदय उसको फेफड़ों में भेज देगा। कहाँ भेज देगा? फेफड़ों में। और फेफड़ों में उस रक्त में घुल जाएगी ऑक्सीजन। अरे बस ने, यानी वो हो जाएगा ऑक्सीजिनेट, है ना, ऑक्सीकृत। फिर वो वापिस किस में आएगा? हृदय में। फिर हृदय पंप करके वापिस भेजेगा अंगों में, है ना। अब जब अंगों में वापिस आएगा, तो उसमें घुली हुई होगी ऑक्सीजन। और जब रक्त में क्या घुली हो? ऑक्सीजन, तो उसे ही आप कह देते हैं शुद्ध रक्त, ठीक है ना। तो रक्त का शुद्धिकरण हृदय ने नहीं किया है, रक्त का शुद्धिकरण किया है फेफड़ों ने, है ना। और जिसके पास रक्त भेजा किसने? हृदय ने। यानी हृदय ने जो रक्त आपने अशुद्ध उसमें डाला, वो उसको पंप करेगा, और पंप करके फेफड़ों की ओर पास कर देगा। समझ में आई? और फेफड़ों में रक्त में क्या घुल जाएगी? ऑक्सीजन। फिर वो रक्त वापिस हृदय में आएगा, फिर हृदय इसे दोबारा पंप करेगा, और पंप करके आपके अंगों में वापिस भेज देगा। तो पंपिंग कितनी बार की? दो बार। पहले पंप किया किसमें? फेफड़ों में। जब फेफड़ों से वापिस आया, तो पंप करेगा अंगों में, यानी पंप करेगा कितनी बार? दो बार। इसलिए आपका रक्त प्रिसंचरण तंत्र को बोला जाता है दोहरा। क्या बोला जाता है? दोहरा रक्त प्रिसंचरण तंत्र। और ये अंग से शुरू होकर वापिस अंग पर खत्म होता है, इसलिए इसे कहते हैं बंद दोहरा रक्त प्रिसंचरण तंत्र, जिसको आप आगे समझेंगे। अगली बात समझे, तो हृदय का काम कभी भी रक्त का शुद्धिकरण करना नहीं होता है, ये सिर्फ रक्त को क्या करता है? पंप करता है, इसलिए इसे पंपिंग सिस्टम कहा जाता है। यहां पर अपन ने बोला हृदय में क्या है? कार्डियक पेशियां। इसलिए हृदय का जो अध्ययन है, हृदय का अध्ययन, उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। जैसे कहीं हृदय में कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करते हैं, है ना। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय विशेषज्ञ, है ना, जो अध्ययन करता है किसका? कार्डियो का। कार्डियो का मतलब हृदय का। अरे बस में, इसलिए हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। तो अभी अपन ने क्या बोला कि हृदय कैसा है आप में, क्योंकि वो किसका बना है, कौन सी पेशियों का, इसलिए उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। कोई दिक्कत? अब अपन ये बोलें कि ये मनुष्य का जो हृदय है, ये कहाँ मिलेगा, इसकी स्थिति क्या रहेगी, हृदय कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है। तो यहां पर देखो बच्चों, जो हृदय है वो वक्ष भाग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वक्ष भाग में। अब वक्ष भाग कौन सा होता है? तो यहां पर नीचे क्या है? डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम, जैसे यहाँ डायफ्राम है ना, इसके ऊपर वाला भाग तो है वक्ष, है ना, और इसके नीचे वाला भाग है उदर, ठीक है। बीच में क्या है? डायफ्राम, जो वक्ष और उदर को क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। आगे बात समझे, यानी ऊपर वाला जो भाग है ये तो क्या है? वक्ष। और नीचे वाला जो भाग है ये क्या है? उदर। अब जो वक्ष भाग है, उसके अंदर पड़े हैं आपके फेफड़े। क्या पड़े हैं? फेफड़े मतलब लंग्स है। और इन लंग्स के बीच में आप जगह देख रहे हैं खाली, इसको बोलते हैं मीडिया इस्टा एवं केवेटी। क्या बोलते हैं इसे?
मीडिया स्टा इवम केविटी, और इस केविटी में जो बाया फेफड़ा है उसे और आपका हृदय पाया जाता है। कौन सी ओर है? बाई ओर, ठीक है ना। जो बाया फेफड़ा है उसके अंदर आपका क्या है? हृदय। उस साइड आपका क्या है? हृदय। कौन सी केविटी में? मीडिया स्टा इवम केविटी में। तो आपसे ये पूछे कि हृदय कहाँ सिचुएटेड है, हृदय कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे फेफड़ों की मध्य की गुहा, जिसका नाम है क्या? मीडिया स्टा इवम केविटी। और इस केविटी में हृदय पाया जाता है ना। और ये केविटी कहाँ है? फेफड़ों के मध्य। फेफड़े कहाँ है? वक्ष भाग में। तो आपका हृदय वक्ष भाग में फेफड़ों के मध्य मीडिया स्टा इवम केविटी में पाया जाता है। इतनी बात समझ आई? अब ये जो हृदय है ये हृदय का वजन कितना रहेगा, इसका वजन कितना होता है? तो कितना होता है हृदय का वजन? हृदय का वजन होता है 280 से लेकर 310 ग्राम तक अप्रोक्स रहता है। कितना रहता है? 280 से 310 ग्राम तक अप्रोक्स हृदय का वजन माना जाता है। जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर हृदय का वजन थोड़ा कम होता है और पुरुष में हृदय का वजन थोड़ा ज्यादा होता है। महिलाओं के अंदर हृदय का वजन कम है इसलिए उनमें भावुकता पाई जाती है, ज्यादा रोना धोना कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उनमें जो हार्ट वेट है, हृदय का जो वजन है, वो पुरुष की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है? कम होता है। महिला के केस में 270 से 280 माना जाता है। कितना माना जाता है? और पुरुष के केस में 300 से 310 तक माना जाता है। यानी महिला के अंदर 20 से 30 ग्राम हृदय का वजन क्या है? कम है। किसकी अपेक्षा? पुरुष की अपेक्षा। इसलिए महिलाओं में भावुकता क्या रहती है? ज्यादा। और पुरुषों में, पुरुष आसानी से नहीं रोते, हालांकि कई ऐसे पुरुष होते हैं जो रो लेते हैं तो वो अलग बात है, उनमें हो सकता है कि वो 270 वाला आ जाए। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो रोती नहीं है, रुला देती हैं, तो उनमें हो सकता है कि भाई 310 आ गया होगा। तो हृदय का वजन जो एवरेज अपन मानते हैं वो कितना मानते हैं? 280 से 310 ग्राम तक मानते हैं। अब ये जो हृदय है इस हृदय के अंदर प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। जैसे आपके हृदय के अंदर चार प्रकोष्ठ होते हैं, दो आलिंद और दो नीले, जिसका अपन डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझेंगे कि कौन सी जगह क्या क्या पाया जाता है और जो पाया जाता है उसका फंक्शन है क्या क्या है, ठीक है ना। एक्चुअली हृदय होता कैसे है ना। ऐसा हृदय तो बहुत ने देखा होगा लेकिन ऐसा हृदय होता नहीं है, है ना। ओरिजिनल अपन देखेंगे कि हृदय एक्चुअली होता कैसा है, ठीक है ना। तो अब जब बनाना पड़े, कहीं जरूरत पड़े तो वैसा बनाना जैसा अपन सीखे। ये आजकल रिजेक्ट हो गया है ना, क्योंकि इसके बीच से देखो क्या निकल गया, फट गया ये, है ना। इसलिए आजकल कई जगह ऐसा बना हुआ आता है ना, टूट गया। हालांकि हृदय कभी टूटता नहीं है, हृदय पे आवरण होता है। कभी सुना है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और हृदय टूट गया, है ना, दायां आलिंद कहीं बग गया, बायां आलिंद कहीं बग गया, ऐसा हुआ है कभी? या कभी कहीं से गिरा और उसका हृदय बिगड़ गया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, हृदय कभी टूटता नहीं है। हाँ, भावनात्मक तौर से टूट जाए वो एक अलग बात है। जैसे कहते हो ना कि दिल टूटा, वो दिल वो कैसे टूटता है उसकी बात अपन कल करने वाले हैं। आज तो अपन इतना लिख लेते हैं, लिखो बड़ा चालो एडिंग हृदय। भाई स्कूल ही तो कुछ वो मस्तिष्क है। अरे हृदय अतो भर्यो सी
अठे तो बोई बोझ दे 1400 ग्राम को रिदे मतलब सवा किलो क्या हूं चल है ना क्या रुझिया कई की ने छाती भारी है बा भारी जना है बटे 1400 ग्राम गोसी बाकी हिंदी वाले सर ने बताया मतलब हिंदी वाले सर रिदे बढ़ा रहे हैं पान गद्य गुरुजी तो तारा मी है माराम को नहीं माराम का तो है तो आपना मतो ही है ठीक है ना आप लोगों में कितना है 280 से एक को मतलब इंदियाला को रिदे विराट बड़ा रिदे तो वो बड़ा रिदे अपन को नहीं रखना है अपन को तो इतने वाला ही रखना है क्या आ गया ये चलो पहले तो रिदे और ब्रैकेट में डालो बच्चों पंपिंग सिस्टम पंपिंग सिस्टम और एक काम करो ना क्यों एनर्जी खर्च करें जब है सारा आपके सामने तो लिख दो हाँ मस्तिष्क का वजन जरूर कितना होता है हाँ वहाँ आप कह सकते हो 1300 से 1400 है ना लेकिन हृदय को वजन तुम ना बता दे गड़बड़ हो जाए और महिला में तो वो भी कम है ना वो 1250 से कितना है 1300 यानी कि पुरुष ज्यादा क्या है होशियार है ना कंपेरेटिवली महिला लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि आप उस मस्तिष्क को यूज कैसे करते हैं है ना महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा ब्रेन वेट कम है लेकिन वो ब्रेन का यूज अच्छा करते हैं इसलिए अंतरिक्ष तक महिलाएं पहुंची हैं इसरो के अंदर महिलाएं हैं या नहीं लेकिन पुरुष अभी बिजी हैं ताश खेलने में है ना उनका दिमाग यहाँ बैठे बता दें कि कौन सी बाइक या गाड़ी अभी निकली है यहाँ से तो उन चीजों में खर्च हो जाता है इसलिए रह दे के 500-700 बचता है हालांकि होता तो पुरुष में क्या है ज्यादा अब वो मस्तिष्क वाला टॉपिक नहीं है वरना मस्तिष्क कैसे काम करता है वो आपको पढ़ाते क्योंकि एलडीसी में वो टॉपिक है नहीं सारे काम दाम होते किससे हैं यहाँ से कंट्रोल होते हैं ठीक है ना और वो कंट्रोलिंग कैसे होती है नर्वस सिस्टम क्या होता है ठीक है ना ब्रेन उसमें कैसे काम करता है कैसे इन्वॉल्व करता है तो वो एक नर्वस सिस्टम का टॉपिक आपके होता तो आपको जरूर बताते हैं कि मस्तिष्क क्या चीज लेकिन पहले एलडीसी तैयार कर लो है ना ये मस्तिष्क वगैरह ये तो पढ़ते रहेंगे एलडीसी को अच्छा कर एलडीसी है तभी इतना बढ़ाया जा रहा है वरना ब्लड 5 दिन में क्या होता है ना और ये तो चला ही जा रहा है अभी तो चलेगा है ना मतलब पूरा डॉक्टर बनर जाओगा जको टॉपिक एलडीसी में है भी टॉपिक ने तन कह रहा हूँ पढ़नो क्योंकि एलडीसी की साइंस का जो पेपर देखो ना तो अच्छा स्तरीय पेपर आता है ना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपसे होगा नहीं अच्छा होगा है ना लेकिन पढ़ना पड़े बस आप पढ़ते जितना आपको पढ़ाया जाए उसे रोज पढ़ा करो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आप साइंस में इतने होशियार कैसे हो गए होशियार तो पहले से ही हो लेकिन और होशियार हो जाओगे अच्छे वाले होशियार हो जाओगे तो हृदय इतना नोट किया ना आपने अब हृदय कहाँ स्थित होता है तो अपन कहेंगे लिखो हृदय वक्ष भाग में
निधे बक्से भाग में फेफड़ों के मध्य निधे बक्से भाग में फेफड़ों के मध्य उपस्थित फेफड़ों के मध्य उपस्थित गुहा फेफड़ों के मध्य उपस्थित गुहा उसको इंग्लिश में कह देते हैं केविटी। गुहा मीडिया इस्टा एवं केविटी में मीडिया इस्टा एवं केविटी में स्थित होता है। मीडिया इस्टा एवं केविटी में स्थित होता है। ठीक है बच्चों, और बाकी जो क्लास है वो आपकी लेंगे अभी।